झांसी की प्रजा अपनी नई रानी से मिलेगी। ये पालकी बहुत ही सुंदर है, सदैव आपको इसमें आते जाते देखती थी। अरे वहां कहां जा रही हो गंगा? अब से कहीं भी तुम्हें जाना हो तो हमारी पालकी में ही जाना। आपकी पालकी में? अब ये तुम्हारी भी हक है, हक यही नहीं नहीं महारानी देवी है, वो आपकी पालकी है। नहीं गंगा, अब हमारी हर वस्तु में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। देता है तू जो मुझको इस पर निसार कर, उसके लिए इसके सिवा कोई। हमने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना और ये अधिकार भी हम ही तुम्हें दे रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हम आप सबके समक्ष झांसी की नई रानी गंगाबाई का परिचय देने आए हैं। ये झांसी को उत्तराधिकारी देंगी और हमारी झांसी को इन धूर्त फिरंगियों की हाथों से बचाएंगी। हम जानते हैं हमारे होते हुए किसी दूसरी स्त्री को रानी के रूप में स्वीकार करने में आप सबको परेशानी होगी, परंतु हमारा विश्वास मानिए, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिरंगी अपनी हड़प नीति के तहत जो उन्होंने संभलपुर और सतारा के साथ किया है, वैसे ही वो झांसी के साथ भी कर सकते हैं। हमने ये निर्णय लिया और ये निर्णय हमारी झांसी के हित में, आप सब के हित में। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। देखिए आपकी रानी। कैसी रानी, कहाँ की रानी? झांसी की तो बस तू ही रानी, तू ही रानी। मैं कुछ इंपोर्टेंट वर्क से पैलेस आया था, लेकिन आप नहीं मिले, इसलिए सोचा कि आपसे मिलकर वापस जाऊं। झांसी की होने वाली रानी को नेल्सन हार्टी कंग्रेचुलेशंस देने के लिए रुका हुआ था। आशा है झांसी को आप उत्तराधिकारी देंगे। आई एम श्योर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आप पूरा कोऑपरेशन देंगे। इस तरह आप और हम मिलकर झांसी का फ्यूचर खुशहाल बनाएंगे। Unfortunately, हमें अब तक मौका नहीं मिला। गंगा तुम अंदर जाओ। हम जानते थे ऐसे ही अपने भाव प्रकट करता है, परंतु लक्ष्मी बाई के त्याग के बाद ही उसे गंगा जैसी देवी मिली, तो क्या हुआ अगर हम झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकते?
गंगा देगी, परंतु हम अपनी इच्छा से तुम फिरंगियों के हाथ नहीं जाने देंगे। और एक बार कान खोल कर सुनो, इस राज्य में तुम फिरंगियों का सिर हम हिंदुस्तानियों के सामने छुप कर रहेगा। ये झांसी हमारी थी, हमारी है और सदैव हमारी ही रहेगी। मिस्टर मैक्सी, जब महारानी को ये पता चलेगा कि वो कब से है, उसकी कोख में झांसी का उत्तराधिकारी है, फिर किसे तुम्हारी आवश्यकता होगी? इस बात को हम उसी समय से जानते हैं जब तुम्हारी नानी ने सबको बताया था कि हमारी महारानी गर्भवती है। तो फिर आपने महारानी देवी को बताया क्यों नहीं? मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारी अच्छी हमारे बंदी गृह में, और यदि ये बात किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी अजी किसी भी समय जा सकती है। चलो स्वयं की आंखों से देखना, फिर तुम अपने आप वही करोगी जो हम तुमसे करवाएंगे। गंगा, गंगा ये ना भूलो, तुम इतने बड़े राज्य की महारानी बनने वाली हो। सारा बुंदेलखंड तुम्हारी जय जयकार करने वाला है। ना, इनकी बातों में नहीं आना। महारानी साहिबा, आकाश है, आकाश और पंछी कितना भी उड़े आकाश को नहीं छू सकता, झुलस के रह जाते हैं। अपनी औकात याद रख, वो राजा है, हम प्रजा है। नहीं, उनकी बातों में ना आना। याद कर गंगा, बचपन से सिखावा है, याद कर। गंगा बिटिया, ये तुहार नहीं, और जो तुहार नहीं ऊपर अधिकार जमाना पाप है, रखो उसे। कहते हैं आजी, इसकी बातों में ना, ऐसा अवसर बड़े बड़ों के भाग्य में नहीं होता करता। एक बात याद रखना गंगा, जीवन में कोई भी वस्तु आसानी से नहीं, उसे छीनना पड़ता है। जीवन में अगर वस्तु आसानी से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।